हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। आज कुछ साउथ इंडियन खाने का मन था, बट साउथ इंडियन बनाने के लिए कुछ भी मैंने रात को भिगा कर नहीं रखा था। सो मैंने सोचा क्यों ना सूजी से आज की ये रेसिपी बनाई जाए। और बस मैं आज बना रही हूँ सूजी के इंस्टेंट उत्पम की रेसिपी, तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं मैं सूजी के उत्पम कैसे बनाती हूँ। सूजी मतलब रवा उत्पम बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बॉल भर करके सूजी। सूजी आप मोटी या पतली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर एक बॉल भर कर सूजी ली थी, उसके लिए हम लेंगे एक बॉल भर करके छाछ। अगर आप छाछ यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह दही भी यूज कर सकते हैं। आधी दही और आधा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना और उसके बाद इसमें ऐड कर देना। अब सूजी में हमें छाछ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। रवा में छाछ को इस तरीके से मिक्स करना है कि जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा पतला रहना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी सारा मॉइस्चर और ये बैटर काफी थिक हो जाएगा। मिक्स करने के बाद अब इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है चलिए कर लेते हैं आगे की तैयारियाँ। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक चटनी, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक पैन। पैन में डाल दिया है 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच उड़द दाल भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास तिल का तेल हो तो आप यहाँ पर वही यूज करना, मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। तो उड़द दाल डालते ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ कड़ी पत्ते मैंने काट कर डाले हैं और 2 सूखी लाल मिर्च। सभी को हल्का सा आप रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए एक प्याज जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे यहाँ पर अदरक आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप अदरक की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो एक कड़वाहट होती है, तीखापन होता है अदरक में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, आप भी इतना ही लेना। और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसको ढककर पकाना है, पर हम इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी साउथ इंडियन तड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उत्पम के साथ ये चटनी। तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये चटनी कैसी लगी। और यहाँ आप देख रहे हैं हमारे जो टमाटर प्याज हैं काफ़ी अच्छे से गलने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच इमली का पानी। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया से कलर के लिए। और अब ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच गुड़। गुड़ डालने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट तक हम इन्हें और फ्राई करना है। और अब ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले नमक डालना भूल गई थी, आप पहले ही ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इनको चलाते हुए, अभी हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा ठंडा, क्योंकि जब हम मिक्सी में इसको चलाएंगे ना तो उससे अगर आप गर्म गर्म डाल दोगे तो जार खुल सकता है और चटनी फैल सकती है। इसलिए हमें अभी इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम उत्पम के लिए सब्जियों को कट कर लेते हैं। यहाँ प्याज टमाटर का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया था तो अब इसको मैंने डाल लिया है जार में। और अब मैं इसका एक महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ हमारी टमाटर प्याज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है साउथ इंडियन तड़के के साथ। चलिए अब बना लेते हैं उत्पम। यहाँ रवा को भी रेस्ट करते हुए हो गए हैं 10 से 15 मिनट। चलिए अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये काफी थिक हो गई है। सूजी काफी फूलती है इसलिए वो काफी पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सही करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, लगभग 1/4 कप हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उत्पम का जो बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह 1/2 पैकेट इनो भी ऐड कर सकते हैं। और अब सोडा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक को भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं साइड में। और अब ले लेते हैं कुछ सब्जियां। इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 कद्दूकस की गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सब्जियों की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं।
बारीक कटा हुआ टमाटर और उसी के साथ ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 चम्मच नमक, नमक आप अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करने से हमारी सारी सब्जियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, बार बार आपको अलग अलग सब्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उत्पम में। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, पैन में डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच ऑयल। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बैटर को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स आप सेम प्रोसेस से तवे पर भी इसको बना सकते हैं। अब बैटर को अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो हमने सब्जियां मिक्स करके रखी थी। देखा फ्रेंड्स आपने, इस तरह से हम सारी सब्जियों को इकट्ठा करके जब ऐड करते हैं ना तो बारी बारी से आपको अलग अलग सब्जियों को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, सारा सामान आपका एक ही जगह मिल जाता है। और अब ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया कुछ इस तरीके से। अब मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, इससे हमारा उत्पम अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएगा। यहाँ 1-2 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसको अब हम पलट देते हैं। उत्पम के ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको पलटकर फिर से ढककर सेकेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसको फिर से पलट देते हैं और देखिए कितना परफेक्टली हमारा उत्पम सिक गया है। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम बाकी के उत्पम भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है टमाटर प्याज की चटनी और हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ। आप इसको अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये टमाटर प्याज की चटनी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, इन्जॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।